नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे केसरी उजाला। उच्च न्यायालय विधि सेवा उप समिति एवं जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस मुफ्त कानूनी सेवा योजना का उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण में आवेदन करना होता है। जानकारी के अनुसार योग्य आवेदकों को सरकारी खर्च पर एक वकील के साथ साथ अन्य कानूनी सेवाओं और खर्चों पर एक वकील प्रदान किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में बिना आवेदक के भी निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती है। वकील पार्टी से शुल्क नहीं ले सकता। विधि सेवा प्राधिकारियों के पैनल में अधिवक्ताओं को निःशुल्क विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसलिए पैनल में वकील इस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करते समय वकील पार्टी से शुल्क स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के कुछ नियम होते हैं, जिनमें पहला नियम 18 वर्ष तक की महिलाएं और बच्चे, दूसरा नियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निवासी नागरिक हो, तीसरा नियम आरोपी जेल में हो या पुलिस हिरासत में, चौथा नियम कार हादसों के शिकार लोग, पांचवा नियम औद्योगिक श्रमिक मानसिक रूप से बीमार और विकलांग लोग, छठवां नियम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं और जातिगत हिंसा के शिकार लोग, सातवां नियम विशिष्ट व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक हो। हर साल सैकड़ों जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कानूनी सलाह और मार्गदर्शन। कानूनी प्रक्रिया में एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व प्रशिक्षण के लिए मसौदा तैयार किया जाता है, जैसे प्रारूपण, न्यायालय शुल्क, समन्वय और अन्य आकस्मिक व्यय, कैदियों के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को भेजने में सहायता, उच्च न्यायालय में अपील और जमानत आवेदन दाखिल करने में मदद सहायता। कानूनी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। ऐसे ही मुफ्त कानूनी सेवा योजना के तहत हर साल सैकड़ों जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है। कानूनी सेवा प्राधिकरण इस संबंध में जागरूकता बढ़ाता है। नागरिकों को हार कर नहीं बैठना चाहिए और अन्याय नहीं सहना चाहिए। कानून का दरवाजा ऐसे लोगों के लिए हमेशा खुला है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़।